आणविक चिकित्सा उद्देश्य में बहुत गहरी बात कह रहे हैं कि सम्राट के लिए सैन्य शक्ति, खजाने की शक्ति का क्षय नहीं करना चाहिए। जिसकी सैन्य शक्ति खजाना प्रचंड है, उसे दुनिया घबराती है। जैसे अग्नि के तेज में कोई प्रवेश नहीं कर पाता है, पर निस्तेज भस्म में बच्चा भी पैर रख के नाचने लगता है, ऐसे खजाना शून्य होने पर और सेना के नष्ट होने पर उस राजा को छोटा सा भी राजा पराजित कर देगा और राज्य से अपने आप को विलीन कर लेगा। इसलिए तेज का नाश नहीं होना चाहिए। समझिए आप लोग, इतनी सारी नीतियाँ ऐसा क्यों मानते हो कि ये कोई दूसरे के लिए पढ़ाई चल रही है? तत पाप पिन पापम यत्र महान धर्मानुबंधा। अभी राज दृष्टि है, इसे समझना चाहिए। सत्यमपि विपदे, ऐसा सत्य का भी प्रयोग ना करें जो कोई कोई विपत्ति में पड़ जाए। तो राज दृष्टि से कथन कर रहे यहाँ पर, तत् पापम भी न पापम, वह पाप भी पाप नहीं है। यत्र मान धर्मानुबंधा, जिसे मान धर्म का संरक्षण होता हो। जैसे कि सुनिए ध्यान से, उसको कैसे लगाएंगे आप? कोई व्यक्ति नगर में मुनि को प्रवेश नहीं होने दे रहा, राजा ने उस आदमी को अपने नगर से बाहर कर दिया कि भाई तुम्हारे होने से हमारे नगर में साधुओं का प्रवेश नहीं हो रहा है। तो राजा ने अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। तो यद्यपि वो व्यक्ति क्या कहे, राजा कितना पापी है, मेरा घर उजाड़ दिया, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में आदित्य योगी घर ही घर पढ़ा रहा बेचारा। तो लोग तो यही बोलते हैं ना, जिसका घर फूट गया कि देखो मेरा घर उजाड़ दिया, मेरे बच्चे रोड पे आ गए, तुम्हें आज रोना आ रहा है, तेरे बच्चे रोड पर आ गए हैं। पर वो रोना नहीं आ रहा था जिसने कितने बच्चों को पिता से रहित किया है। वो रोना नहीं आया जिस उपद्रवी ने कितने लोगों घर उजाड़े हैं, अपना घर उजाड़ने पर तुमको रोना आ रहा है। तो रे राज धर्म है, यदि वो निग्रह नहीं करेगा तो आतंकी टाइप के लोग बढ़ जाएंगे और जनता सुख से जी नहीं सकेगी, साधुओं का विचरण नहीं हो पाएगा। इसलिए वो राज धर्म की दृष्टि से अपना काम कर रहे हैं। हाँ, मुनि बनेंगे तो उनके लिए पाप ही है, साधु बनेंगे पाप ही है। पर ये भी ध्यान रखना, राज्य व्यवस्था करते करते करना पड़ेगा, लेकिन इसका फल तो फिर भी भोगना पड़ेगा, पाप तो है। शेष आगे विचार करेंगे। नीति वाक्य मूल ग्रंथ में आणविक चिकित्सा उद्देश्य में बहुत गहरी बात कह रहे हैं।